अभी हम बात करते हैं नंबर्स की। अगर आपके पास कुछ भी है, पैसे हैं या कोई चेयर है या पेन है, अगर आपके पास है तो इसका मतलब है आपके पास ज़ीरो से स्टार्ट होता है, मतलब आपके पास नहीं है। फिर उसके बाद आपके पास एक पेन है या पत्ता है या जो भी है। फिर उसके बाद दो होते हैं, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ और फिर नौ। आपके पास या तो एक बुक है या फिर आपके पास दो बुक है। आप इनकी तादाद बढ़ा भी सकते हैं या फिर आपके पास तीन बुक्स है या फिर आपके पास चार बुक्स है, चार। तो ये हो गया वन, टू, थ्री और फोर। इस तरह आप इनको बढ़ा सकते हैं मजीद। जब हम बात कर रहे हैं नंबर्स की तो हमारे पास जीरो से नौ तक, क्योंकि एक एक नंबर के हमारे पास यही नंबर है। जब नौ पर आप पहुंच गए आपके पास डिजिट्स या नंबर्स ख़त्म हो गए। ये सारे क्या है, ये डिजिट्स है, ज़ीरो डिजिट, वन डिजिट, टू डिजिट। अब आप क्या करेंगे, नौ के बाद मैं इधर इसको कॉपी करके यहाँ पर हम वन लगाएंगे और ये ज़ीरो, ये बन गया दस। और एक ये ग्यारह हो गए, ये बारह, इसी तरह तेरह। अब आप इसको गौर से देखें कि ये ज़ीरो से नौ तक वैसे का वैसे, और इसके लेफ्ट साइड पर यानि कि बाएं साइड पर हम एक एक बढ़ाते रहे जा रहे हैं, यानि कि वन का इजाफा कर रहे हैं। तो ये चौदह, पंद्रह, सोलह, सतारह, अठारह और उन्नीस बन गया हमारे लिए। तो इस तरह हम नौ के बाद फिर नंबर्स लिखना शुरू करते हैं। जब उन्नीस पर पहुंच गए तो हम क्या करेंगे, हम इसी काम को दोबारा से करेंगे, लेकिन मैंने इसको कॉपी किया और इस दफ़ा हमने टू लगाना शुरू किया वन की जगह पर। बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अट्ठाईस और उनतीस। जब हम उनतीस पर पहुंच गए हम इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ये इधर, और फिर इस दफ़ा हम तीन के साथ शुरू करते हैं। तीस, इकतीस, बत्तीस, तैंतीस, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस, अठतीस और फिर उनतालीस। इस तरह हमारे पास एक पैटर्न बन रही है। मैंने इनको कलर में क्यों रखा, ताकि आप समझ जाए कि ये ज़ीरो से नौ तक वैसे के वैसे रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास असल चीज़ है वो इनको एक पैटर्न बना रही है, जो हम इनको आगे ले जाते जा रहे हैं। अब 39 के बाद हम क्या करेंगे, हम एक नए पैटर्न के साथ शुरू करेंगे और वो क्या होगा, 40, 40 या 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। अब हम मज़ीद अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये होगा 50 और 51, 52, 53, 53, 54, 54, 55, 55, 56, 57, 58 और 59। अगर मैं इसको मज़ीद आगे बढ़ाऊँ तो एक दफ़ा आप जब इसको सीख लेंगे तो ये एक मज़ेदार, एक खूबसूरत सी एक गेम बन जाएगी। आप देखें, मैंने दोबारा से इसको शुरू किया और ये बनेगा 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। जब हम इसको मज़ीद आगे ले जाएंगे तो ये होगा हमारे साथ
70 मैंने येलो इस्तेमाल किया है तो मैं किसी और कलर की तरफ जाता हूँ। 71 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और फिर 80 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88 89 मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाओ ताकि हमारे पास लास्ट जगह बन जाए। 90 91 91 92 92 94 95 96 97 98 और उसके बाद हमारे पास होगा 100 100। इस तरह हम 0 से 100 तक गिनती सीखते हैं या लिखते हैं।